देखो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उस दिन तो बड़ा तुम उसके साथ चिपक रहे थे, छिपकली के साथ, और ऊपर से मुझे कह रहे थे कि तू कौन होती है, मेरा प्यार है, मेरा ये है वो, आज तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो मतलब मैंने उस दिन सही बोला था, तुम दोनों हाथों में लड्डू जाते हो, ये चला यार। वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उसे ही रिक्वेस्ट करता ना जाके। समर भाई ने भी बाद में उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने समझाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो भाई लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी और सिया दोनों छोड़कर चली गई थी मेरे को। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर वो गई है, अगर वो लड़की गई है, मैं अगर कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ अपनी जगह, मैं उस लड़की के लिए सही हूँ और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो उसको फ़ोन उठाना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, उसे सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। बट नहीं, बट उसके बाद क्या कहती है मेरे को कि भाई मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो किसी के साथ हम फोर्स तो कर नहीं सकते भाई। तो मैंने फाइनली डिसीजन ये किया है कि मुझे सिया के साथ रहना है, उसके साथ मुझे नहीं रहना है। तो मैंने उसे बुलाया आज बात करने के लिए। क्या होगा, वो मानेगी नहीं मानेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप लोग वीडियो में बने रहे, मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. हेलो हेलो, बैठो। बुलाया ऐसी? उस दिन तो तुम बड़ा कह रहे थे कि मेरे से मत मिलो, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तुम अपने रास्ते जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ। भैया ने भी उस दिन यही बोला कि अलग अलग रहना चाहते तो तुम चले जाओ, फिर क्यों पीछे पड़ रहे हो? तो आज क्यों बुलाया तुमने मुझे? मैं बोल लूं? हाँ, तुम्हारी सुनने के लिए तो आई हूँ मैं। मैं बोलूं अब? हाँ बोलो। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उस दिन तो बड़ा तुम उसके साथ चिपक रहे थे, छिपकली के साथ, और ऊपर से मुझे कह रहे थे कि तू कौन होती है, मेरा प्यार है, मेरा ये है वो, आज तुम्हें मेरे साथ रहना है। यार मैं उसकी बातों में, उसके मतलब क्या बोलूँ, उसकी बातों में मैं आ गया था। अब उस दिन तो बड़ा कह रहे थे तुम उससे प्यार करते, अब प्यार कहाँ गया तुम्हारा? दो दिन में प्यार खत्म हो गया? यार प्यार वाली बात नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि भाई वो लड़की ठीक नहीं है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीट कर रही है। अच्छा, मेरे पे चीट कर रही है वो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया आज। तो मतलब मैंने उस दिन सही बोला था, तुम दोनों हाथों में लड्डू जाते हो, ये चला। यार वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उसे ही रिक्वेस्ट करता ना जाके। समर भाई ने भी बाद में उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने समझाया कि भाई देखो मुझे मतलब, चलो तुम्हें तो काफ़ी टाइम से जानते हैं ना, हम सब जानते हैं तुम्हें काफ़ी टाइम से। हाँ, लेकिन वो तो नई नई थी, ठीक है, अभी उसे कोई जानता नहीं था, उसका क्या बिहेवियर है, क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो बाद में समर भाई ने भी यही बोला कि देखो वो लड़की ठीक नहीं लग रही मुझे, तुम्हारे लिए बेस्ट वही है, उससे जाओ मिलो बात करो। तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया आज। बाकी तुमने मुझसे क्या बात करने के लिए बुलाया? दोबारा रिलेशन में आ जाओ मेरे साथ। ऑब्वियसली बात है, इसलिए बुलाऊंगा। अगर मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, अब तुम दो बार ऑलरेडी कर चुके हो, मेरे को भरोसा नहीं है, मैं भरोसा नहीं कर सकती। क्यों, क्या मतलब भरोसे वाली क्या बात है? तुम तो कल तक तो तुम तैयार थी ना, कल तक तुम क्या तुमने उस दिन तुमने जितना बेइज्जत करके मुझे निकाला था ना, तुम चाहते हो जितना बेइज्जत मैं हुई हूँ ना, बाय गॉड कभी नहीं हुई। तुमने मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना तुमसे, मैं चिल्ला रहा हूँ तुम पे, मैंने कुछ उल्टा बोला तुमसे? उस दिन तो बड़ा बोला था, आज तो बोला नहीं जा। देखो रिलेशन में देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि भाई मुझे लोगों ने समझाया, मेरे टीम के लोगों ने बोला, समर भाई ने बोला, सब ने बोला। पहले वो लोग कहाँ गए थे? उस टाइम तक उन्हें मुद्दा ही क्लियर नहीं था ना कि क्या चल रहा है। तुम्हारे ही मुद्दे नहीं क्लियर होते, तुम्हारे ही समझ ही नहीं आता क्या क्या चल रहा होता है। अब देखो यार मुझे, मैं ज़बरदस्ती तो करूँगा नहीं। तो देखो क्लियर बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, ठीक है? तो तुम अब मेरे साथ रहना चाहते हो? पहले तुम उस छिपकली के साथ रहना चाहते थे, अब तुम मेरे ऊपर आ गए कि मेरे साथ। यार वो बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी चीज़ की। हाँ बट ये है कि जो मान लो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे भी दूँ, तो क्या प्रूफ दोगे तुम उस चीज़ का, क्या प्रॉमिस करोगे कि तुम फिर नहीं करोगे?
तुम मेरे मम्मी पापा को बुला के या मेरे भाई को बुला के फिर ड्रामा क्रिएट करोगे। मैं क्यों बुलाऊंगा? मैं किसी को क्यों बुलाऊंगा? तो वो तुम्हारी फैमिली है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। मुझे रिश्ता अभी तुमसे रखना है, अभी मेरी कोई शादी नहीं हो गई है जो मैं तुम्हारी फैमिली तक चला जाऊंगा या उनसे बात करूंगा या उनको कुछ बोलूंगा। सैम, बार बार मैं भरोसा नहीं कर सकती, ठीक है? तुम ऑलरेडी दो बार ट्रस्ट तोड़ चुके हो। फर्स्ट टाइम तुमने बोला था। तीसरी बार भी अगर मैं तुम्हें भरोसा, चलो मैं तुम्हें मौका दे भी दूँ, तो क्या भरोसा दिलाओगे तुम मुझे? क्या प्रॉमिस करोगे तुम मुझसे, ये बताओ मुझे। क्या करूँ बताओ यार? प्रॉमिस होते हैं कुछ के, हाँ भाई मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं रिकॉर्ड करूँगी इन चीज़ों को, ध्यान रखना। तुम क्या रिकॉर्ड करोगी? मैंने कैमरा ऑलरेडी लगा, किसी और को बुलाओ जो तुम्हारा प्रूफ दे सके। तुम रिकॉर्ड क्या करोगी? मैंने ऑलरेडी कैमरा लगा रखा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तुम्हें पता है मैं सारी चीज़ें ऑडियंस में शेयर करता हूँ। तो ऑडियंस दोबारा आके कहेगी, तुम दोबारा कोई झूठ बोलोगे या दोबारा कुछ कहोगे तो ऑडियंस तो वही मानेगी ना जो तुम कह रहे हो। मैं नहीं करूँगा, देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो रहना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। अगर मेरे मन में कुछ खोट होता तो मैं नहीं बुलाता, मैं तुमसे कॉल ही नहीं करता ना बात करता, ठीक है? तो तुम्हें लगता है मैं, बाकी मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक हर किसी से होती है भाई। मुझसे भी मिस्टेक ही हुआ था कि मैं थोड़ा भटक गया था, वो मिस्टेक ही था मेरा, ठीक है? बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। तो मैं कह तो रही हूँ, तुम्हें आखिरी मौका दूँ भी तो तुम मुझे प्रॉमिस करते हो क्या कि तुम मुझे दोबारा नहीं छोड़ोगे, दोबारा कोई धोखा नहीं दोगे, दोबारा किसी पे तुम्हारा दिल नहीं आएगा? दिल वाली बात नहीं, अगर देखो ऐसा होता तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं, ठीक है? तो मैं तुमसे प्रॉमिस चाहती हूँ ये कि तुम ये बोल सकते हो। हाँ तो कर तो रहा हूँ, जब ही तो बुलाया मैंने, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि हाँ आगे से नहीं होगा, आगे मतलब तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करनी है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, वरना मैं नहीं बुलाता, सीधी बात है। मुझे कंफर्म नहीं है बट मैं तुम्हें एक मौका दे भी दूँ, बट पहले जैसा अभी कुछ नहीं हो पाएगा यार। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम चाहते हो कि पहले की तरह मैं बिल्कुल ही मर मिट जाऊँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तुम पे जब तक पूरा ट्रस्ट नहीं होगा ना तब तक मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम टाइम ले लो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है? टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो, ठीक है? उस पे सोच विचार करो, जो भी करना है करो, ठीक है? मैं तुम्हें मौका देने के लिए रेडी हूँ बट तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा भाई, बस बाकी छोटे मोटे मतलब वो इशू तो होते रहते हैं, लेट मत करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाकी तुम सोच लो, बता दो मेरे को क्या करना है, उसके बाद फिर मुझे कॉल पे बता देना जो भी। मैं तुम्हें कॉल पे साइश से कंफर्म करके बता दूँगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय। तो गाइस देखा आप लोगों ने, मतलब भाई जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, कि वो लड़की आके मुझे बहकाती है और मतलब वो कुछ और ही चाह रही थी एक्चुअली, वो थोड़ा कोल्ड डिगर टाइप की थी, वो मेरे से कुछ और ही चाह रही थी, उसका कोई प्यार नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। तो मैंने फाइनली सिया को बुलाया, उससे बात करी है तो आप लोगों ने देख ही लिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बाकी जो भी आगे होगा मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।